और इस बीच अंकिता हमारी संवाददाता मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनीष भी आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, मानव माफ कीजिए हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे, धौलाना से वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले मैं जाना चाहता हूं अंकिता के पास। अंकिता, वहां अभी आप क्या देख रही हैं? मैं उत्साह के संदर्भ में बात कर रहा हूं मुजफ्फरनगर में, और क्या लोगों से, लोगों का दिमाग आप मुद्दों के संदर्भ में पढ़ पा रही हैं? बिल्कुल दिनेश, आपने उत्साह की बात की है तो उत्साह की बात कर ले। तो जैसे जैसे सूरज चढ़ रहा है उत्साह बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि फॉग, धुंध और बढ़ती हुई सर्दी की वजह से शुरुआत में तो वोटर टर्नआउट कम दिखाई दिया था, लेकिन आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है, वोटर्स का हुजूम दिखाई दे रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि लोगों का उत्साह लोकतंत्र के इस महापर्व के जश्न को मनाने में कितना ज़्यादा है। इस बीच हमारे साथ एक वोटर मौजूद है, वो यहाँ पर आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर वो वोट देने आए हैं। आपका नाम क्या सर? पंकज। आप बीमार हैं? नहीं, चोट लगी थी मेरे। चोट लग गई है और आप व्हीलचेयर पर यहाँ पहुँचे हैं। जी। क्या आपकी प्रेरणा थी कि आप व्हीलचेयर पर होने के बावजूद पहुँचे यहाँ? वोट तो जानी है योगी जी को। अच्छा, किन मुद्दों पर कर रहे हैं? सुरक्षा का मुद्दा बहुत है। हकीकत तो यही है, सुरक्षा की वजह से बहुत परेशानी है। हम और लोगों से भी दिनेश बात करेंगे, यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं और महिलाओं का इस ऐसे में ओपिनियन जानना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए, आप कौन से मुद्दे पर वोट करेंगी? जी, हम तो लेडीज की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, और हमारे लिए इतनी सुविधाएं करी हैं तो हमें ये थोड़ा करा है उन्होंने, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा करेंगे वो, इसलिए हमारी वोट मोदी जी को और योगी जी को रहेंगे। ठीक है, ठीक है। आप ये बताइए, आप कौन से मुद्दे पर वोट करेंगे? आप चेहरे पर वोट करेंगे, पार्टी को लेकर वोट करेंगे या कोई और मुद्दा है? नहीं, हमारी भी सुरक्षा के लिए ही है। सुरक्षा के जी लिए। और आप? हमारे भी सुरक्षा के लिए ही है जी, सुरक्षा को लेकर है कि लेडीज़ की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने कितना कार्य किया है और आगे भी उससे भी ज़्यादा उम्मीद है कि वो आगे भी अच्छा करेंगे। चलिए चलिए, तो दिनेश, जितनी यहाँ पर महिलाएं हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करेंगे और इस मुद्दे को हम वोट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ पुरुष भी, उनसे जानते हैं, आप कौन से मुद्दे को लेकर? मैंने तो सबको ही खुश कर दिया, सबको ही वोट डाल दी। सबको कैसे वोट डाला जाता है? सारे बटन दबा दिए, आवाज किसी से नहीं आई। तो मशीन खराब थी, वोटिंग मशीन खराब शायद ऐसा ही हो, जब आपको दे नहीं पाया। क्या बात है। तो दिनेश, यहाँ पर एक मामला आया है मुजफ्फरनगर में, यहाँ पर मौजूद है, ये क्या पता ऐसा ही है? क्योंकि उनके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, हो सकता है वो ये बताना ही ना चाह रहे हैं कि उन्होंने असल में बटन दबाई कौन सी है, तो उन्होंने ये कहा हो कि मैंने सभी, क्योंकि अगर उन्होंने शिकायत कर दी है तो फिर इसका निवारण हो रहा होगा। मैं फिलहाल आपका आपको रोकूंगा और मानव यादव के पास जाना चाहूंगा। मानव हापुड़ से मौजूद हैं, 40% के आसपास वोटर्स में यहाँ मुस्लिम मतदाता बताए जाते हैं, खास तौर से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की जो गठबंधन का गठबंधन इस बार है वो यहाँ खास निगाह बनाए हुए है। आपको दिखाई क्या दे रहा है अभी तक मतदान के लिहाज से मानव? दिनेश, देखिए, अभी जो 11 जिले हैं जहां पर मतदान हो रहा है उसमें हापुड़ और शामली ऐसे दो जिले हैं जहां पर पूरे पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। अगर हापुड़ की बात करूँ तो यहाँ पर 3 विधानसभाएं हैं आपकी, धौलाना है, हापुड़ जो रिजर्व सीट है, इसके अलावा गढ़ मुक्तेश्वर है। तो धौलाना में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, 43%, और सुबह से हम ये देख रहे हैं कि खासकर आप जो 40% मुस्लिम वोटर तो बता रहे हैं जो कुल वोटर्स में, लेकिन उनमें आधे के करीब महिलाएं हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ के यहाँ पर मतदान कर रही हैं। और आप किसी भी बूथ पर चले जाइए, सुबह से आपको लाइन देखने को मिल रही है और लोग ये कह रहे हैं कि जो देश के मुद्दे हैं हम उनको भी ध्यान में रख रहे हैं, हमारी जो स्थानीय समस्याएं हम उनको भी ध्यान में रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दिनेश यह है इस धौलाना सीट की कि 2008 से जब से सीट अस्तित्व में आई है उसके बाद से कोई भी विधायक रिपीट नहीं हुआ, यानी कोई भी यहां पर एक बार से ज्यादा अभी तक नहीं जीता है। और इन चुनाव में तो यह भी देखने को मिला है कि जो पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे वो अब बीजेपी के खेमे में जाके बैठे हुए हैं, जो पहले बसपा से जीते हुए हैं वो अब समाजवादी पार्टी और आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पूरा समीकरण बदला हुआ है, आपको यहां पर 70,000 से ज्यादा ठाकुर वोटर भी देखने को मिलते हैं, यादव वोट भी यहां पर है, तो कहीं ना कहीं समीकरण है। और जो साइलेंट वोटर की बात कर रहे हैं पूरे इलाके में, तो पूरे पश्चिमी यूपी में वोटर वोट डाल के आ रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि उन्होंने किसको वोट दिया। कुछ युवा यहाँ पर मौजूद हैं, किन चीजों को आप जहन में रख के मशीन का बटन दबाया आपने आज? काफी सारे सामाजिक मुद्दे भी रहे हैं, राष्ट्र के मुद्दे भी रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो सुरक्षा का एक मुद्दा है वो काफी अहम था, जो पिछले 5 साल में देखने के लिए मिला, इससे पिछली सरकारों में भी देखने के लिए काफी कुछ मिला। सुरक्षा रही है सबसे मेन मुद्दा, सुरक्षा का ही कहीं ना कहीं है, बिजली का किसानों के लिए रहा है, तो इस बार 5 साल में जो बिजली है वो भी काफी अच्छी रही है। चुनाव के समय को हम कुछ ऐसे मुद्दे देखते हैं जिनका स्थानीय लोगों जो वोटर है उनसे कोई लेना देना नहीं होता, चाहे हिजाब का मुद्दा ले लीजिए, धर्म से जुड़े मुद्दे ले लीजिए, क्या वो मुद्दे आप लोगों का मन बदलते हैं?
ऐसा कुछ नहीं है, वोटर का हमारा एक अपना मन होता है, लेकिन ये जो सरकार है जो इस समय काम कर रही है ये बहुत ही अच्छे काम कर रही है। इन लोगों इन्होंने सबके लिए अच्छा काम करा है, कोरोना काल में बहुत लोगों को बचाया है, इतनी जल्दी से वैक्सीन उपलब्ध कराई है और काफी लोगों की जान बचाई है। और यहाँ के क्या मानव, मैं आपके पास लौटता हूँ मानव। अंकिता, हमारे संवाददाता लगातार आप तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, हम इन जगहों पर वापस लौटेंगे। ये सभी 58 सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं, हमारे संवाददाता हर एक सीट पर मौजूद हैं, अलग अलग समय अलग अलग सीटों पर ले जाकर वहां से हम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।